नमस्कार दोस्तों, मैं पीआर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। आज भारत के भूगोल में भारत का अपवाह तंत्र और अपवाह तंत्र में दो छोटे टॉपिक है, भारत में प्रमुख झीलें और भारत में प्रमुख जलप्रपात। तो आइए देखते हैं, भारत की प्रमुख झीलें मानचित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे और इधर भारत में प्रमुख जलप्रपात है वो भी मानचित्र में देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में प्रमुख झीलें, सबसे पहले हम बात करें, देखिए जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में देखिए शेषनाग, अनंतनाग और नागिन, बहुत सिंपल है। शेषनाग से झेलम नदी निकलती है। जब हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र, तो हमने पढ़ा था शेषनाग से झेलम नदी निकलती है। तो शेषनाग है तो फिर अनंतनाग भी हो जाएगा, बेरीनाग भी हो जाएगा। तो देखिए शेषनाग, बेरीनाग, शेषनाग हो गया, बेरीनाग हो गया, अनंतनाग हो गया और नागिन हो गया। तीन नाग है, देखो बेरीनाग हो गया, शेषनाग हो गया, अनंतनाग हो गया। नाग होगा तो फिर नागिन भी होगी। तो नाग और नागिन जम्मू कश्मीर, शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग और नागिन, सिंपल। फिर ये दो झीलें जम्मू कश्मीर की बहुत ही फेमस है, वुलर झील और डल झील। ये तो बहुत सिंपल है। तो वुलर, डल झील और मानस बल, याद रखना भारत का सबसे ज्यादा बल है ना, फौज सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, जम्मू कश्मीर रहती है। तो मानस बल और ये झील भी आपको याद होगा, पोंगांग झील। तो देखो बहुत सिंपल है, जम्मू कश्मीर में नाग नागिन, तो शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग, नागिन, वुलर, डल, मानस बल और याद रखिए पोंगांग झील, ये सारी कहाँ है जम्मू कश्मीर में। तो नाग नागिन सारे जम्मू कश्मीर। फिर देखिए नीचे आ गए हम उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड में एक नाम तो आपको याद है, नैनीताल, तो पीछे क्या रहा, ताल। तो जितने नाम झीलों में ताल पीछे है सारी कहाँ हो जाएगी, उत्तराखंड में। तो देखो नैनीताल, फिर देवताल। तो नैनीताल के बाद आ गया देवताल। भाई देवता आ गए तो राक्षस भी आएंगे, तो राक्षस ताल। तो देखिए नैनीताल, देवताल, राक्षस ताल, फिर देखो सात ताल, और फिर देखिए माल ताल और नौकुछिया ताल और खुरफा ताल। तो सारे ताल कहाँ हो जाएंगे उत्तराखंड में, तो नैनीताल, देवताल, राक्षस ताल, सात ताल, माल ताल, नौकुछिया ताल और खुरपा ताल। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में फुलर झील है पीलीभीत में, और वहां से गोमती नदी निकली थी जो गंगा की सहायक नदी थी, वो हमने गंगा का अपवाह तंत्र पढ़ा था तब पढ़ा था। तो उत्तर प्रदेश में फुलर झील पीलीभीत में और गोमती नदी का उद्गम होता है। फिर सिक्किम में आ जाइए, देखो सिक्किम, सिक्किम सिक्को खटे चोड़े में, चोला मुंह, तो चोड़े में के सिक्को है, तो चोड़े में सिक्को, तो सिक्किम में चोला मुंह। और याद रखिए ये भारत में सबसे ऊंचाई, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा ऊंचाई प्रसिद्ध झील है। तो सर्वाधिक ऊंचाई प्रसिद्ध झील है कौन सी, चोला मुंह झील सिक्किम में। इसी झील से तिस्ता नदी निकलती है, तो ये भी याद रखना, तिस्ता नदी का यहाँ से क्या होता है उद्गम। तो सिक्किम में चोला मुंह सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है और तिस्ता नदी निकलती है। फिर देखिए आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, यहाँ एक झील है परशुराम कुंड। तो अरुणाचल, परशुराम कुंड। नीचे मेघालय बहुत ही फेमस झील है, उमियम, उमियम मेघालय, उमियम मेघालय। फिर देखिए मणिपुर, मणि को खाएंगे, मणि कटक कटक करते हैं ना, मणि कटक, तो मणिपुर में लोकटक, तो क्या हो जाएगा लोक टक कटक, है ना कटक, तो मणि कटक कटक रहेगी, तो मणिपुर में कौन सी, लोक टक झील। और यहाँ केबुल लाजमाओ, आपने पढ़ा होगा जब भारत में हमने नेशनल पार्क और अभ्यारण्य पढ़े थे, तब पढ़ा था केबुल लाजमाओ तैरता हुआ अभ्यारण्य कहाँ है, नेशनल पार्क कहाँ है, मणिपुर में। तो याद रखिए लोकटक झील में केबुल लाजमाओ, तो लोकटक, मणि कटक, लोकटक। फिर याद रखिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में साल्ट लेक झील है, और कहाँ, कोलकाता में, तो कोलकाता में कौन सी, साल्ट लेक। फिर ओडिशा, ओडिशा में सिंपल है ना, ओडिशा उड़ता कौन है, उड़ती कौन है, चील, चिल्का, तो उड़ती कौन है ओडिशा, उड़ती कौन है, चील, तो चिल्का, चिल्का नदी, सॉरी चिल्का जो झील है काफ़ी बड़ी झील है, खारे पानी की ये झील है, इसमें दो नदियाँ आकर गिरती है, दाया और भार्गवी। भारतीय नौसेना का यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, तो नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र हो गया, तो चिल्का, ओडिशा, दाया और भार्गवी दो नदियाँ आकर गिरती है। फिर देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पुलिकट और कोलेरू, बहुत सिंपल है, पुलिकट और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश।
फिर केरल में आ जाइए, केरल में पेरियार, सिंपल पेरियार केरल में है। और दो जो लेगुन झीलें पड़ी थी हमने, अष्टमुडी और वेमनाथ, भारत का जब भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे तब पढ़ा था अष्टमुडी और वेमनाथ, ये है ना समुद्र तट के पास है लेगुन झीलें, तो केरल में कौन सी हो जाएगी, पेरियार, अष्टमुडी और वेमनाथ। महाराष्ट्र में लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार जो ज्वालामुखी उद्गार से बनी है, तो महाराष्ट्र में लोनार। इधर आ जाइए गुजरात, गुजरात में ताप्ती नदी पर एक बांध बनाया गया है, झील बनाई गई है उकाई, तो याद रखना गुजरात में, गुजरात में उकाई। और फिर आइए राजस्थान में, तो राजस्थान में सिंपल है जैसमंद हो जाएगा, पिछोला हो जाएगा, तो जैसमंद और पिछोला राजस्थान के उदयपुर में है। फिर राजसमंद राजसमंद जिले में है, पुष्कर अजमेर में है, नक्की झील सिरोही में है, माउंट आबू में, अन्ना सागर अजमेर में है। तो जैसमंद, पिछोला, राजसमंद, नक्की, पुष्कर, अन्ना सागर, ये राजस्थान की प्रमुख झीलें। हरियाणा में बहुत सिंपल है सूरजकुंड, तो सूरजकुंड याद रखना कहाँ, हरियाणा, जबकि परशुराम कुंड का है अरुणाचल प्रदेश। और चंडीगढ़ में सुखना झील बहुत ही फेमस है, चंडीगढ़ की सुखना झील। तो ये थी भारत की प्रमुख झीलें जहाँ से वनडे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, जम्मू कश्मीर में नाग नागिन, तो बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, वुलर, डल, मानस, बल और पेंगोंग। उत्तराखंड में सारे ताल है, नैनीताल, देवताल, राक्षस ताल, खुरपा ताल, माताल, मालताल, साताल, लोकुचिया ताल, बहुत सिंपल। उत्तर प्रदेश में फुलर झील हो जाएगी, सिक्किम में चोलामू, अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड, और मेघालय में उमियम, और मणिपुर में लोकटक, वेस्ट बंगाल में साटलेक, और याद रह जाएगा ओडिशा में चिल्का, पुलिकट, रुकेलुरी, आंध्र प्रदेश में केरल में पेरियार, वेमनाथ, अष्टमुडी, उकाई, गुजरात, महाराष्ट्र में लोनार, राजस्थान में जैसमंद, पिछोला, राजसमंद, सिंपल है पुष्कर, नक्की और अन्ना सागर, और सुखना चंडीगढ़ में, और याद रह जाएगा हरियाणा में सूरजकुंड। बहुत सिंपल है। आइए अब देखते हैं भारत में प्रमुख जलप्रपात। देखो जलप्रपात क्या होता है, वॉटरफॉल, जैसे ये नदी जा रही है, सिंपल जा रही है, और रास्ते में कोई कठोर चट्टान आ गई है ना, उस कठोर चट्टान को नदी का पानी काट नहीं पाता, उससे जस्ट आगे कोमल चट्टान है, तो इसको तो काट नहीं पाता, आगे वाली चट्टान को काट देता तो पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसे कहते हैं वाटरफॉल, जलप्रपात। भारत के कुछ 5-7 फेमस जलप्रपात है वनडे एग्जाम में जहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले आ जाइए कर्नाटक में, ये देखिए कर्नाटक है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्र में है, गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात है, शरावती पर महात्मा गांधी। आइए इनको इधर देखते हैं, तो जलप्रपात में प्रपात का नाम, नदी और राज्य, तो देखो महात्मा गांधी, दूसरा नाम है जोग, और उसी को कहते हैं गरसोपा। तो याद रखना महात्मा गांधी जी ने कभी शराब नहीं पी थी, तो शराबती, महात्मा गांधी ने कभी शराब नहीं पी थी तो शराबती, और कभी नाटक नहीं किया तो कर्नाटक, तो महात्मा गांधी ने कभी शराब नहीं पी तो शराबती, और कभी नाटक नहीं किया तो कर्नाटक, सिंपल। गोकक नाम सही है, गोकक जो जलप्रपात है गोकक नदी पर है, गोकक है, गोकक है, और कैसे क्या हो जाएगा, कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा, गोकक भी कर्नाटक में। फिर देखिए शिव समुद्रम, देखो जब शिव की आप पूजा करोगे तो काय की वरी, कोई वरी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, और नहीं कोई नाटक करना पड़ेगा, नहीं कोई नाटक करना पड़ेगा, तो शिव की पूजा करेंगे तो कोई वरी, कोई चिंता नहीं होगी, नहीं नाटक करना पड़ेगा, तो कर्नाटक। हुंडरू मतलब मैं डरूं, कौन डरेगा, जो सोना लेकर चलेगा, तो हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर भी कोई क्या नहीं कर ले, पकड़ नहीं ले, है ना, झार नहीं ले, तो झारखंड, तो हुंडरू कौन डरेगा, जिसके पास सोना होगा, तो स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। इधर देखिए है ना, झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू। फिर धुआंधार या उसी का नाम कपिल धारा प्रपात है, ये नर्मदा नदी पर है और एमपी जबलपुर में। देखिए एमपी में एक नदी है नर्मदा, वो जबलपुर के पास भेड़ाघाट के पास जब सफ़ेद संगमरमर चट्टानों पर उसका पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो संगमरमर की चट्टानों में धुआं सा दिखता है, इसलिए इसका नाम हो गया धुआंधार, और दूसरा नाम है कपिल धारा, नर्मदा नदी पर है, कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। फिर देखिए चूलिया सिंपल है, चंबल नदी पर है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, तो राजस्थान में चंबल नदी पर कौन सा, चूलिया प्रपात है। तो ये थे भारत के प्रमुख जलप्रपात और भारत के प्रमुख झीलें। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको याद हो गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।